हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर क्लासेस। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं रीजनिंग का सेशन, और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग अल्फ़ाबेट को पढ़ रहे हैं। और अल्फ़ाबेट का हम लोग पिछले वीडियो में द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न को पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं में से टाइप है एक, आपको पोजिशन काउंटिंग। कोई भी लेटर होता है तो उसके पोजिशन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें तो पहला था टोटल मिडिल लेटर, अर्थात आपको दो लेटर देंगे, उनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे उनको ज्ञात करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए डी दे दिया और आपको एफ दे दिया, तो इनके बीच में डी और एफ के बीच में कुल कितने लेटर होंगे, इसको ज्ञात करने के तरीके आपको इस विधि के अंतर्गत होंगे। इसके बाद दूसरा आपका होता है एग्जैक्ट मिडिल लेटर। एग्जैक्ट मिडिल लेटर मतलब ठीक बीचों बीच, जैसे अगर मान लीजिए कह दें F और Q के ठीक मध्य में, अर्थात ठीक बीचों बीच कौन सा लेटर आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देते भी हैं, तो इस पर हम लोग आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला टाइप को देखते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम लोग पहला टाइप की बात करें तो पहला टाइप के अंदर कुछ रूल हैं, उस रूल को हम लोग देखते हैं। और पहले रूल में बताया गया है कि सभी मध्य के अंदर कोई भी लेटर के मध्य में कुल कितने टोटल अक्षर लेटर होंगे उनको ज्ञात करना, जब डायरेक्शन सेम हो। ध्यान सुनिएगा, जब डायरेक्शन सेम हो मतलब क्या हो गया, लेफ्ट लेफ्ट बोल दे, क्या बोले, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, इस प्रकार की बातें करें तब उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन सेम। जैसे बोलेगा किसी लेटर के बाएं साइड तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, या पांचवा अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा लेटर होगा, या उनके मध्य में कुल कितने लेटर होंगे, तो उस कंडीशन में हायर माइनस लोअर और फिर एक बार और माइनस वन करते हैं, जो टोटल आएंगे वो आपके उनके कुल बीच में कितने लेटर होंगे उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट हो गया। अगर यहीं पर आपसे एक बता दें, हम छोटा सा उदाहरण लेंगे आपको समझाने के लिए। जैसे अगर यहीं पर आपसे कहता कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक ना, बाएं साइड से 15वें अक्षर के बाएं साइड पांचवें अक्षर के बीच में कुल कितने लेटर होंगे, है ना, क्या बोला है कि लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के लेफ्ट साइड पांचवें अक्षर के ठीक मध्य अथवा उनके बीच में कुल कितने लेटर होंगे। तो इसके लिए करना क्या है, बोले हायर माइनस लोअर, अर्थात बड़ा मान और छोटा मान, इनमें से बड़ा मान क्या है 15, तो 15 माइनस लोअर कितना है 5, माइनस वन करेंगे तो कितना हुआ 10, में से फिर एक घटाएंगे 9 लेटर होंगे। इसके बाद रूल नंबर 2 में देखिए इसमें क्या बोला है कि जब डायरेक्शन डिफरेंट हो, अर्थात अलग अलग डायरेक्शन हो, वो किस कंडीशन में था, जब डायरेक्शन सेम था अर्थात एक ही दिशा में था। इसमें जब डायरेक्शन अलग अलग हो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत तीन केस हैं, उन तीन केस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर लेफ्ट और राइट को जोड़े, अगर 26 से छोटा आ गया, कितना आ गया 26 से छोटा, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे जो भी पोजीशन दिया रहेगा उनको जोड़ेंगे और वो 26 से छोटा आ रहा है, तो आप करिए क्या, 26 माइनस जो भी जोड़ने पर लेफ्ट और राइट आ रहा है घटा देंगे, और जो भी आपको बचेगा शेष वो आपका उनके बीच कुल अक्षर कह लेंगे, वो आपका आंसर होगा। दूसरा केस ये है कि अगर लेफ्ट और राइट को जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ने पर 26, 27, 28 तीन को आ जाए, 26, 27 और 28, तब उनके बीच में कोई भी लेटर नहीं होंगे, क्या होंगे, उनके बीच में कोई भी लेटर नहीं माने जाएंगे। केस तीसरा, जब लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे और 28 से बड़ा आ जाए, लेफ्ट और राइट को जोड़े और 28 से जब बड़ा आ गया, तो वैसे कंडीशन में करिए क्या कि लेफ्ट प्लस राइट और उसमें से 28 को घटाएंगे, जो भी बच कर आएगा वो टोटल वो आपका आंसर होगा, अर्थात उतने लेटर उनके बीच में पाए जाएंगे। हाँ, तीन को कंडीशन है, इन्हीं कंडीशनों के बीच में आपके टोटल सवाल घूमेंगे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
देखिए दूसरा वाला समझने की बात है कि जब लेफ्ट और राइट को जोड़ रहे हैं 26, 27 और 28 डायरेक्ट दिख गया जोड़ने पर, तब उसको डायरेक्ट ले तो उसके बीच में कोई अक्षर नहीं है, डायरेक्ट उसका उत्तर वही होगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न लिए हैं उसको हम लोग करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये बोला है कि वर्णमाला में बाएं अक्षर से 15वें अक्षर तथा 8वें अक्षर के मध्य में कुल कितने लेटर होंगे। अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आप खोजते रह जाएंगे, क्योंकि बाएं से डायरेक्शन दे दिया है, बाएं से 15वां और 8वां अर्थात दोनों का पोजीशन आपको बाएं से ही है, लेफ्ट से। तो हम बोले हैं कि जब डायरेक्शन सेम दिया हो और उसके अंतर्गत पोजीशन काउंटिंग लगाना, तब हायर माइनस लोअर माइनस वन करना पड़ेगा। तो इसमें अगर बाएं से 15वां देखें तो बाएं लेफ्ट से आपको क्या है, लेफ्ट से आपका 15, फिर लेफ्ट से आपका 8, यही है। तो डायरेक्शन सेम आ रहा है, जब डायरेक्शन सेम आ रहा है तो आपको हम पहला बताएं हायर माइनस लोअर, अर्थात आप क्या करेंगे, हायर आपको 15, लोअर माइनस आपका 8 है, और इनमें से एक और घटाएंगे कितना होगा, 7 - 1 = 6, अर्थात कह सकते हैं बाएं से 15वें और 8वें अक्षर के मध्य में कुल 6 लेटर होंगे, कितना होंगे, 6 लेटर। इसके बाद दूसरा देखते हैं, अल्फ़ाबेट में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर, दाएं दाएं दो पर आए हैं, अच्छा डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी हायर माइनस लोअर का प्रयोग करेंगे। तो अब हायर माइनस लोअर लगाइएगा तो हायर आपका 15 है, लोअर आपका 10, इसके बाद एक घटा देंगे तो 5 - 1 = 4, आपका 4 आंसर होगा, अर्थात उनके मध्य में कुल कितने लेटर होंगे, 4 लेटर होंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अल्फ़ाबेट में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, इसको थोड़ा जोड़ कर देख लीजिए, ये लेफ्ट राइट अलग अलग दे रहा है ना, जब लेफ्ट राइट देगा तो आपको जो केस वाला बताए अभी बताए हैं 3 केस, उन्हीं केस के अंतर्गत आपको आएंगे। आप लेफ्ट और राइट को जोड़ लीजिए, लेफ्ट से आपका 20वां है, सॉरी लेफ्ट से आपका 20वां है और राइट से आपका 15वां है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, अर्थात केस नंबर 3rd पर चला गया, तीसरा केस बोला है जब लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे और 28 से बड़ा आ जाए, तो जो लेफ्ट और राइट को जोड़े हैं उनमें से 28 घटाएंगे, तो लेफ्ट और राइट को जोड़ें तो कितना है, 35, अब इनमें से घटाएँ कितना, 28 घटाइए कितना रहे जी, घटाएंगे तो आपका 8 × 7 = 15, 7, अर्थात उनके मध्य में कुल 7 लेटर हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये वाला देखिए, अल्फ़ाबेट में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के मध्य में कुल कितने लेटर होंगे, यहाँ भी लेफ्ट राइट करिए, लेफ्ट से 15, राइट से आपका 12, दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है, दोनों का ऐड कर रहे हैं 27, जब 27 मिल रहा है तो बोले आपको केस नंबर दूसरा, 26, 27 और 28 जब तीनों दे तो उनके मध्य में कोई भी लेटर नहीं है, कोई ना कोई अक्षर नहीं है, इसका आंसर सीधा होगा कोई भी अक्षर नहीं है। ठीक ना, तो ये आपको समझ में आया ना, तो पोजीशन काउंटर में बहुत खास नहीं है, ये थे आपके पहला टाइप, और एग्जैक्ट मिडिल लेटर है आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।